media as in the articles, not, I didn't mean it in a broader perspective. I meant it as in the articles. Yeah. If you've read articles about me, the articles are like Urfi Javed ne Ashleelta ki hadde paar ki, Urfi Javed nangi utar aayi, Urfi Javed goes braless. Since when did we start talking about a woman's undergarments? Like, why are you writing articles about my undergarments, bro? Meri maine chaddi bra nahi pehni, usse tumko kya matlab hai? Tumne apni chaddi pehni hai na? Nahi. मेरी मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी उससे तुमको क्या मतलब है? अच्छा तो ये बात है, तो मैडम ये पट्टी यहाँ से उतार कर लोगों की आंखों पर बांध दो, फिर ना कोई आपकी फहाशी देखेगा और ना ही कोई आप पर तनकीद करेगा। मस्त प्लान है। तो भी अगर कपड़ों पे कमेंट करना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो, मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। अच्छा, मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। इसकी शक्ल से ही महसूस हो रहा कि ये रैंप पर जाती है और कोई बंदा इसके कपड़ों पर तंज कर देता है और ये मुकम्मल तौर पर जल भुन जाती है। मेरे कपड़ों पर कोई कमेंट नहीं करेगा आज के बाद। अच्छा, अपने बर्तन खुले रखना और लोगों को बोलना कि अपने बिल्ले बांध लो। कौन है ये लोग? मेरी मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी उससे तुमको क्या मतलब है? क्या सोच है रे तेरी? क्या इन बेशरम लोगों की जाहिलाना सोच और घटिया हरकतें हैं? तो मैडम अगर आपने ये बेगैरतियाँ करनी ही हैं, तो फिर इतना जल्दी क्यों हो? Why are you writing articles about my undergarments, bro? तड़प ही ऐसी है ना? आपकी जैसियों का तो मुवक्कफ होता है कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि लोग क्या कहते हैं, मगर तुम लोग इस बात पर बहुत ध्यान देते हो कि लोग क्या देखना चाहते हैं। तुमने अपनी चड्डी पहनी है ना? कहते हो तो उतार देते हैं। मेरी मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी उससे तुमको क्या मतलब है? मैडम हमें कोई मतलब नहीं, जो तुमने ये डोट और टांकिया शांकिया पहनी हुई चाहे ये भी उतार दो। तू बाद आ जा, बाद आ जा। किन्ने हम पीछे लाए ते किन्ने चारे नहीं, गिन गिन के दिल तोड़ती जो टूटते तारे नहीं। रेहानी होने ऐतबार सोनी है, रेहानी होने ऐतबार। अब सारी पब्लिक को भी पता चल गया कि तुम लोगों से चाहती क्या हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहती है मैंने इतनी देर चैन पहने रखी कि गर्दन में निशान बन गया। तो मैडम किसने बोला था चैन पहनने को? कपड़े पहन लेती? नहीं, यकीन जानिए ये लोग इतना कुछ भी बड़ी मुश्किल के साथ सिर्फ इतनी देर ही पहनते हैं जितनी देर इनको शूट करवाना हो, अदरवाइज ये घर पर ऐसे ही घूमते होंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। लास्ट टाइम जब मैं झलक पे आई थी, कोई एक बंदा तुम में से कमेंट कर रहा है कि आज ढंग के कपड़े पहन के आई है। गाइस, ये आपको कपड़े नजर आते हैं? नहीं, मुझे तो लग रहा ये सिर्फ अपनी बड़ी बहन का दुपट्टा पहनकर आई है। What nonsense, guys, I'm not coming for this. यार ये लोग हमेशा उस बात पर माइंड क्यों करते हैं जो कि इनके पास होता ही नहीं है। किसकी आवाज है, I'm asking? बोल तो इतने गुस्से से रही जैसे इसको बंदे का पता चलते ही ये उस बंदे को गायब कर देगी। समझ रहे हो? इसकी भी वही मिसाल है कि पान बेचने वाला दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लिखवा दे कि यहाँ पर पान थूकना मना है। मस्त प्लान है। वैसे तो ये औरत इतनी गरीब है, इतनी गरीब है कि इसके पास पहनने को सूट तक नहीं। हाँ गाइस, इसके पास एक सूट तक नहीं, क्योंकि कभी उसने सूट पहना ही नहीं। क्या बात, ये बात है। कभी तो मैडम शीशे पर रंग लगाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं, कभी बॉडी पर चूना सीमट लगाकर आ जाती हैं, तो कभी बॉर्डर लाइन पर मोतियों के बने हार चिपकाकर आ जाती हैं। अगर तब भी पहनने को कुछ ना मिले तो अपनी ही तस्वीरों की फोटोकॉपियां करवाकर उनमें धागा लगाकर कपड़ों की जगह बांध लेती हैं। तो गाइस इधर फुल बेशर्मी चल रही है, तो आप ना देखा करो ऐसी चीजें। कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती है। वरना आप भी कपड़ों से चड्डियों पर आ जाओगे।
तो अब आप हमारे चैनल को इतनी स्पीड के साथ सब्सक्राइब कर दें जितनी स्पीड से आप बचपन में लास्टिक की शलवार तब्दील करते थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज। सबसे अलग सबसे असली किस्म कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी।